हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट एवर टाइम इट इज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कैसे आप अपनी जर्नी में खुद को हील कर सकते हो। और जब भी आपका मतलब फुल मून और न्यू मून आते हैं, जब जितना भी नेगेटिव एनर्जी है वो सर्फेस पे आने लगते हैं और पास का जितना भी ट्रॉमास है वो भी सर्फेस पे आने लगते हैं, और उससे आप कैसे खुद को हील कर सकते हो, इस ऐसा एक मेडिटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। होप आप लोगों को भी हेल्प मिले। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने मेरी जर्नी में मेरे ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, नेगेटिव थॉट्स खुद ही हील किया बाय डूइंग मेडिटेशन। सो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ मैंने मेरी ट्रॉमास और नेगेटिव थॉट्स कैसे हील किया। जस्ट सुबह जल्दी उठ के नहा वहा लेके फ्रेश होके आप एक साइलेंट प्लेस पे बैठ जाइए और ब्रीथिंग लीजिए 1 to 10 times और फुल कंसंट्रेशन के साथ। और उसके बाद अगर उसके बीच ब्रीथिंग के टाइम कुछ नेगेटिव थॉट्स आए भी, फिर भी आप कंटिन्यू करते रहना। उसके बाद विजुलाइज करना एक ब्राइट डिवाइन लाइट जो आपके गॉड की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ पे सन मून सब की एनर्जी आके एक डिवाइन ब्राइट लाइट हो गए हैं, और वो लाइट आपके बॉडी को टच करके जितना भी आपके ऑरा में जितना भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड पे चल रहा है वो धीरे धीरे वो ब्राइट लाइट आपके बॉडी से रिलीज करता जा रहा है। आपके क्राउन चक्रा से पूरा रूट चक्रा तक वो पूरा ब्राइट लाइट पूरा बॉडी हिल बॉडी का जितना भी नेगेटिव थॉट्स है वो रिलीज करके आपके बॉडी से निकल जा रहे हैं। उसके बाद मदर अर्थ पे जितना भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब चले जा रहे हैं। फिर आप देखना आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा, इतना फोकस हो जाएगा, एंड दैट्स द एग्जैक्ट डिवाइन टाइम वेयर आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपके पास लाइफ ट्रॉमा का जितना भी ई नेगेटिव एनर्जी आप सरफेस पे आ रहे हैं वो सब दिखाई देगा। आप इंस्ट्रक्शन दो, मुझे दिखाओ कि मुझे मैं कैसे हील कर सकूँ और कहाँ से ये सब नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, कहाँ से ये सब ट्रॉमा कौन सी जगह पर है वो मुझे दिखाओ, ऐसा इंस्ट्रक्शन दो। तब देखना आपके माइंड में जितना भी ट्रॉमा से वो सब दिखाई देगा, एंड देन आप एक एक करके आप फ्यूचर बन के आपके पास पे जाओ और उसको बोलो, इतना पॉजिटिव फील कराओ, इतना पॉजिटिव वर्ड से उसको हील कराओ कि आप खुद भी उसको देख के हैप्पी हो जाओ और वो आपके वर्ड को लेकर मतलब इतना हैप्पी हो जाए, इतना हील हो जाए, ऐसा फील कराओ कि आप कितना फ्यूचर में कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना स्ट्रांग हो। अभी मतलब आप फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं रहे हो फिर भी उसको फील कराओ, और जहाँ जहाँ से नेगेटिव एनर्जी वो पास्ट जितना भी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में है वो जितना भी नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आ रहा है उन सभी से आप कट कट करवाओ। तब देखना क्राउन टू रूट चक्रा से आप जितना भी कट कट करते जाओगे ना, आप उतना ही रिलैक्स फील हो जाओगे, जैसा लगेगा आपके बॉडी में एक हेवी एनर्जी था जो चक्रा से होकर पूरा रिलीज हो जा रहा है, इतना रिलैक्स फील करोगे। तब देखना उसके बाद जब आपके बॉडी पे फिर से प्रेजेंट मोमेंट पे आप आ जाओगे, तब जितना भी वो सब देख के आए हो, जितना भी नेगेटिव एनर्जी वो सब फिर से वो डिवाइन ब्राइट लाइट आपके बॉडी से होके रूट चक्रा से होके मदर अर्थ वो सब नेगेटिव एनर्जी मदर अर्थ में चले जा रहे हैं। आप देखना आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, आप पास में जितना भी ट्रॉमास है वो सब कट कट करके जब आपके अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, थॉट्स डायरेक्ट जब प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगा तब देखना कितना अच्छा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं जब करती हूँ ना ऐसा रिलैक्स फील हो जाती हूँ। और ये हीलिंग या मेडिटेशन ये मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे 3D वर्ल्ड के साथ 3D लोगों के साथ काम करना ही पड़ता है, मेरा काम ही ऐसा है, इसलिए मैं डेली हीलिंग करती हूँ, डेली मेरा ऑरा क्लेंजिंग करती हूँ। जब भी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आता है तब मैं ऐसे मेडिटेशन करके खुद को हील करती हूँ। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग मेडिटेशन करके कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस करो तो ऐसा टेक्निक करके, देन प्लीज़ मुझे भी शेयर करना कमेंट सेक्शन पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।